तो क्योंकि आप आ गए हैं, हम भी बनाना शुरू कर देते हैं, रुकना किस बात का। तो पहले हम बनाएंगे लेमन ड्रेसिंग के साथ कुकम्बर सलाद और फिर बनाएंगे क्रीमी कुकम्बर सलाद। ये दोनों ही सलाद बिल्कुल चुटकियों में बन जाते हैं और स्वाद ऐसा कि आप बिल्कुल रोज़ बनाना चाहेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग सलाद्स हैं, तो आइए बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स लेमन ड्रेसिंग के सलाद के लिए। हमने लिए हुए धनिया जो कि है करीबन आधा कप, ये है दो ककड़ी, दो बड़े कुकम्बर है जो कि करीबन 400 ग्राम तक, और लिए हमने रेड चिली फ्लेक्स जो कि है आधा टीस्पून, हनी शहद हमने लिया है दो टेबलस्पून, सफ़ेद तिल लिए हमने करीबन एक टेबलस्पून, और लिया है हमने काली मिर्ची का पाउडर जो कि है 1/4 टीस्पून, और लिया है हमने एक नींबू। अगर आपका नींबू छोटा है तो आपको पूरे नींबू का रस लगेगा, अगर बड़ा है तो बस आधे नींबू का रस दो ककड़ी के लिए काफ़ी हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम धनिया को काटने से। देखिए, अगर आप धनिया नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं और आप सुआ भी डाल सकते हैं, और अगर आप पुदीना और सुआ डाल रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी ज़रा कम लीजिएगा क्योंकि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं। तो ये हमारा धनिया कट चुका है, अब हम ककड़ी को काटेंगे। वैसे ककड़ी को हम काट तो किसी भी तरीके से सकते हैं, किसी भी शेप में सकते हैं, लेकिन हमें इसे लंबा और पतला काटना है ताकि वो लेमन ड्रेसिंग जो हम बनाएंगे उसके फ्लेवर्स का अच्छा टेस्ट आ सके, नहीं तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो हम कर रहे हैं ककड़ी को स्पायरलाइज। हमारे पास एक स्पायरलाइजर है जिसमें हम स्पायरलाइज करके इसके नूडल्स बनाएंगे। अगर आप स्पायरलाइज नहीं करना चाहते, और भी तरीके हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी ककड़ी गई है, इसको हम स्पायरलाइज करके इसके नूडल्स बनाएंगे। इसमें जो एंड का पोर्शन बच जाता है उसे बस हाथ से काट देंगे और ये हमारी ककड़ी रेडी है सलाद बनाने के लिए। ककड़ी को ऐसे पतला काटने के लिए या नूडल्स बनाने के लिए दो और तरीके हैं। एक तो आप उसे ऐसे नाइफ के साथ लंबा लंबा और पतला काट के आप जितना पतला कर सकते हैं, और ये मेहनत का काम है, आप ये नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे आसान तरीका जो है ऐसे नूडल्स बनाने का, वो है कद्दूकस के साथ उसे बनाइए। अब काट रहे हैं हम ककड़ी को कद्दूकस के साथ। कद्दूकस की जो बड़े होल्स वाला तरफ है उस तरफ से करना है, और ऐसे लंबे लंबे उसे कद्दूकस करना है। छोटे होल्स जहाँ होते हैं उस तरफ से नहीं करने, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर निकल आएगा और आपकी ककड़ी के नूडल्स इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये हमारे नूडल्स बन चुके हैं कद्दूकस के साथ। चलिए अब बनाते हैं हमारे सलाद का ड्रेसिंग। उसके लिए हमने एक छोटा बोल लिया है, उसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं नींबू का रस। नींबू हमारा छोटा है इसलिए पूरा डालेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसका जो रस निकला है वो करीबन एक टेबलस्पून तक जितना है। तो ये हमारा नींबू का रस। इसमें अब हम डाल रहे हैं शहद। शहद या हनी हमारा दो टेबलस्पून। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप ये ज़्यादा डाल सकते हैं। डाल रहे हैं इसमें हम काला मिर्ची का पाउडर जो कि फ्रेशली ग्राउंड है, ये है बस 1/4 टीस्पून। अगेन आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और डाल रहे हैं हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स जो कि अगेन है 1/4 टीस्पून, और अब इसमें ये गया नमक जो कि 1/4 टीस्पून। आप रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है दोनों के साथ। इसे बस अच्छी तरह से करना है मिक्स और हमारा ड्रेसिंग इज रेडी। और वैसे हम सफ़ेद तिल डालना भूल गए, तो इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल, वाइट सीसमी सीड्स जो कि हमारे पास करीबन एक टेबल स्पून है। हम आधा अभी डालना है, आधा ऊपर गार्निश करते वक्त डालेंगे, आप पूरा अभी भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेमन सलाद ड्रेसिंग इज रेडी, और बस इसे ऐड करना है हमारी ककड़ी में, इसे पोर कर रहे हैं हम। और अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो कि हमने चॉप किए हुए हैं। बस इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स। एंड आवर सलाद कुकम्बर सलाद इज रेडी टू बी सर्वड एंड रेडी टू बी ईटन। इस सलाद में आप डाल सकते हैं अखरोट के छोटे पीसेस या तो रोस्टेड पीनट्स। इन दोनों के साथ ही सलाद की क्रंचीनेस बहुत बढ़ जाती है। और इस बात का वादा रहा कि अगर आपने ये एक बार बना के खाया तो आप इसे रोज़ बना के खाना चाहेंगे। इस गर्मी के मौसम में ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सलाद है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। चलिए अब बनाते हैं हमारा क्रीमी कुकम्बर सलाद। क्रीमी कुकम्बर सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए हंकर्ड। तो पहले करेंगे हम उसकी तैयारी। और हंकर्ड बनाने के लिए हमने ली हुई है एक छन्नी जिसे हमने एक बड़े बोल में रखा हुआ है। उसमें हम डाल रहे हैं मसलिन क्लॉथ, कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा आप ले सकते हैं। उसमें हम डाल रहे हैं करीबन 1.25 से 1.5 कप दही, क्योंकि हमें करीबन 1 कप हंकर्ड चाहिए। बस इस दही से अब हम पानी को निकलने देंगे इस कपड़े के थ्रू। आप हल्के से ऐसे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर सकते हैं अपने आप। अगर आपने दही की जगह उसे प्रेस किया तो आपकी दही बाहर आ सकती है। बस इसे हल्के से प्रेस करना है, इसका पानी निकलने देना है। और इसको वैसे ऐसे रख दीजिए इस
छानी में करीबन आधे घंटे तक, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल आए। वैसे सलाद को हंग कर्ड की बजाय कर्ड के साथ भी बना तो सकते हैं, लेकिन उस केस में ये ऐसे क्रीमी नहीं बनता है और सलाद कम रायता ज़्यादा लगता है, इसलिए हंग कर्ड बनाना तो बनता है। ये देखिए हमारा हंग कर्ड बन चुका है, ये करीबन एक कप जितना है। इसे बस बोल में निकालना है जिसमें हम बनाएंगे हमारी क्रीमी सलाद की ड्रेसिंग। तो इस एक कप हंग कर्ड में हम डालेंगे एक टेबल स्पून मेयोनीज। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। अगर आप विनेगर डाल रहे हैं तो थोड़ा ही डालिएगा, करीबन हाफ टी स्पून अच्छा हो जाता है। तो ये गया हमारा मेयोनीज। इसमें अब हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची जो कि हमने फाइनली चॉप की हुई है। अगर आप इसे पीस के डालते हैं हरी मिर्ची को तो बहुत तीखा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से डालिएगा। और अब डाल रहे हैं हम इसमें चीनी। हम शुगर डाल रहे हैं एक टेबल स्पून, आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं। और डाल रहे हैं हम नमक जो कि है 1/4 टीस्पून, आप 1/4 से हाफ टीस्पून आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो अब डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची है जो कि फ्रेशली ग्राउंड की हुई, हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे हम सुआ। सुआ वो पत्ते हैं जो कई बार पालक के साथ आते हैं, मराठी में इसको शापू कहते हैं, इंग्लिश में डिल लीव्स कहते हैं। इस सलाद का ये मेन इंग्रेडिएंट है और इसके साथ इसके बहुत अच्छे फ्लेवर्स आते हैं और बहुत अच्छा अरोमा आता है। तो इसे हम काट के डाल रहे हैं। ये काट के करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक का है, बस फाइनली चॉप करना है और इसे डालना है। और अभी सुअर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स, ताकि हमने जितने भी इन्ग्रीडियंट्स डाले, जो भी शुगर डाली है वो पिसी हुई नहीं थी, इसलिए वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। बस इसमें हम डालेंगे ककड़ी। हमने यहाँ लिए 3 छोटे ककड़ी जिसे हमने पील करके सर्कल्स में स्लाइस किया हुआ है। वैसे आप बिना पील किए भी इसे काट सकते हैं, आप इसकी शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस इसे करना है अच्छी तरह से मिक्स और हमारा क्रीमी कुकुम्बर सलाद इज रेडी टू बी ईटन। तो है ना, इस सलाद को बनाना बहुत ही आसान और इसका टेक्सचर खाते वक्त बहुत क्रीमी लगता है। लेकिन अब इससे आपको ये तब पता चलेगा जब आप इसे बना के देखेंगे। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपका सलाद कैसा बना। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी बहुत सारी नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते ही मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।